वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में मैं मजबूरन एक और वीडियो बना रहा हूँ स्किल के ऊपर, क्योंकि मैं इससे पहले स्किल के ऊपर दो वीडियोस बना चुका हूँ कि आपने अपने स्किल अकाउंट को वेरीफाई कैसे कराना है। मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं और कमेंट्स करते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वेरीफाई कैसे कराऊँ अपने अकाउंट को। तो ये मेरी तीसरी वीडियो है स्किल के ऊपर और मैं आपको ये बता दूँ कि स्किल में सबसे पहले आपने आईडी जब साइन अप करेंगे उसको तो आपसे वो वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा। जब आपने उसके ऊपर साइन अप कर लेना है उसके अंदर पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट करने के बाद एक लिमिट होती है, मुझे लिमिट नहीं मालूम, 100 या 150 डॉलर्स होती है। वो जब आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं उसके बाद फिर वो आपको एक मैसेज देता है कि आपके अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, अगर आपने अपनी इस लिमिट को इनक्रीज करना है तो आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो मेरा उनको मशवरा सबको यह है कि जो लोग भी स्किल में अकाउंट बना रहे हैं 5 या 10 डॉलर उसके अंदर डिपॉजिट करें और वहां से फिर उसको ट्रांसफर करें, कहीं विड्रॉ कर लें या ट्रांसफर कर लें। ऐसा करके इसकी लिमिट आप पूरी करने के बाद जब आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा तो आप सेटिंग में जाएंगे, वेरिफिकेशन में जाएंगे, वहां पर आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं उसके अंदर। अगर नहीं हो तो उसके उसका जो ऑल्टरनेट है वो मैंने अपनी वेबसाइट में बताया हुआ है कि उसके लिए आपने क्या करना है। एक ईमेल एड्रेस है, उस पे आपने अपनी कंप्लेन को लॉन्च करना है, उनको बताना है कि सर मैं अपने अकाउंट से वेरीफाई करा रहा हूँ, मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, मैं आपको अपनी वेबसाइट में एक ईमेल एड्रेस दूंगा, उस ईमेल पे आपने अपना मैटर लिखना है और क्या करना है, जो चीज़ आप सबमिट कर रहे हैं वहां पर, वहां आप उसको थ्रू ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल करके भी आप अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं अगर उसमें नहीं हो रहा। ये जो मेथड है ये मुझे तब मालूम हुआ जब मैं कर रहा था वेरिफिकेशन, मैं अपलोड करता था और उनका पेज नेक्स्ट पेज में चला जाता था, यानी कि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड होते ही नहीं थे और वो कहता था कि योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सबमिटेड। तो जब मेरे डॉक्यूमेंट पूरे सबमिट ही नहीं होते, फ्रंट जाता था और बैक नहीं आता था, तो वो डन कर देते थे, तो मेरा फेल्ड हो जाता था। फिर मैंने इनका एक ईमेल एड्रेस लिया सपोर्ट का, वहाँ पर ईमेल की और इतना लंबा चौड़ा उनको मैंने खत लिखा कि भाई ये मसले मसाइल हो रहे हैं आपकी वेबसाइट में और मैं वो जो डॉक्यूमेंट वहाँ देना चाह रहा हूँ मैं थ्रू थ्रू ईमेल दे रहा हूँ। और मैंने एडिशनल क्या किया था, एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी जिस तरह मैं ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो 10-12 सेकंड की वीडियो बनाएं, अपने हाथ में अपना CNIC या पासवर्ड जो भी आप वहाँ अपलोड कर रहे हैं हाथ में लें, उसकी बैक साइड भी दिखाएं, फ्रंट भी दिखाएं और बोलें कि भाई मेरा ये नाम है और मेरा जो स्किल आईडी है वो इस नाम से है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको थ्रू ईमेल दे दें, वो आपको वेरीफाई कर देंगे। मेरा वेरीफाई ऐसे ही हुआ था। तो ये सब मैंने अपनी वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे पहले जो दो वीडियो बनाई है मैंने स्किल के ऊपर, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहां जाके पहले वो दो वीडियोस देख लेनी है, उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद मैं आपने मेरी वेबसाइट में जाना है, वहां मैंने सब कुछ लिखा हुआ है और ईमेल एड्रेस भी वहीं मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहां जाके इसको ले सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।